हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एनडीए की 2024 में हैट्रिक की तैयारी। 338 सांसदों के 10 ग्रुप बनाए, पीएम मोदी खुद रोजाना लेंगे फीडबैक। दोस्तों, 2024 के चुनाव का बिगुल बज गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए बनाम विपक्षी मोर्चे में सीधी टक्कर है। इस मुकाबले के लिए एनडीए पूरी ताकत से तैयारी में जुट गई है। 2014-2019 में जीत के बाद एनडीए की कोशिश है कि 2024 में हैट्रिक लगाई जाए। यही वजह है कि एनडीए ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। संसद के मानव सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद हर रोज़ एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। एनडीए में इस समय लोकसभा में 338 मेंबर हैं। एनडीए के सांसदों को 10 ग्रुप में बांटा गया है। ये बैठकें 25 जुलाई से शुरू हो रही हैं। प्रत्येक ग्रुप में विशिष्ट क्षेत्र वाले 35 से 40 सांसद सदस्य शामिल होंगे। ये बैठकें इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। सांसदों को क्षेत्रीय आधार पर ग्रुपों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 2 क्षेत्रों के सांसद शामिल होंगे। पहले दिन 25 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में 2 हिस्सों में होंगी, पहली शाम 6:30 बजे और दूसरी शाम 7:30 बजे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन बैठकों में शामिल होंगे। तीनों नेता सांसदों के साथ चर्चा करेंगे और उनके क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों का फीडबैक भी लेंगे। वहीं संजीव बालियान और अजय भट्ट समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को बैठकों के लिए कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसी बीच सांसदों से अपने कामकाज पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। ये बैठकें एनडीए के 25 साल पूरे होने पर हो रही हैं। इससे पहले 18 जुलाई को गठबंधन में शामिल 39 दलों की दिल्ली के अशोका होटल में बैठक हुई थी। गठबंधन ने दावा किया था कि वह पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।